हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के यानी गणित के कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ट्रिक्स इसलिए क्योंकि अभी जो एग्जाम में है ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद जो आंसर है उसमें टिक लगाना है। तो कैलकुलेशन में अधिक टाइम ना जाए इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर्स के आप निकाल सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, यानी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना। अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना है तो क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं। एक एग्जांपल में लेते हैं 2, 3, 4, और उसको किससे गुना करना, 11 से। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना है तो क्या इस तरह गुना करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, क्या ऐसे गुना करेंगे? नहीं, ऐसे गुना करेंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक यूज करना है। तो क्या करेंगे, 11 से जब गुना करेंगे तो ये 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यानी 4 का 4 लिख दें। फिर क्या करना है, इसमें आगे वाली संख्या को जोड़ देना है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इस संख्या को अगले वाले संख्या से जोड़ देना है, तो कितना गया, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, फिर 2 बचा है, तो 2 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको इस तरह से गुना करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या यह 3 डिजिट वाली संख्या पे होता है? नहीं, 2 पे भी हो जाएगा, 4 अंक का होगा, 20 अंक का भी होगा, 12 अंक का भी होगा, जितना भी अंक का संख्या है। आप 11 से गुना करने का बस यही तरीका है, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं, 1, 0, 2, 4 और 3, देखिए कितने संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, और उसको 11 से गुना करना है। तो कैसे करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे, पहले 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, ठीक। फिर 4 में 2 जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो गया, यानी 4 2 6 हो गया। अब 2 में 0 को प्लस कर दें, तो 2 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 होगा, 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 होता है, तो 2 में 0 को प्लस करेंगे क्या आया, 2। उस वक्त क्या करेंगे, 0 को 1 में प्लस करेंगे, तो 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1, और लास्ट में क्या बचा, 1, तो लास्ट में फिर 1 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में 3 लिखना था, 3 लिखना है, और लास्ट में 1 है तो 1 भी लिखना है। तो इस तरह से आंसर आपका 11 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल चुके हैं, तो देखा आपने समय बचा लिया। तो चलिए अब अगला ट्रिक हम लोग सीखते हैं। अगला ट्रिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ही ट्रिक बता रहे हैं। अगला ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर बाय 5, किसी भी नंबर को 5 से यानी 5 से गुना करने का ट्रिक। तो 5 से किसी संख्या को कैसे गुना करेंगे, उसके लिए क्या करना है, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 48, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तो कैसे निकालेंगे और जल्दी निकालेंगे, तो क्या करना है, बस इस संख्या का आधा कर दीजिए, यानी हाफ कर दीजिए। तो 48 का हाफ कितना होता है, 24, ठीक है, और एक 0 लगा दें तो हो गया 5 से गुना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब लिखते हैं 8, 6, 6, 4, और इसको गुना करना है 5 से। तो अगर उस तरह से हम लोग जिस तरीके से यूज करते हैं बनाते हैं पहले, अगर उस तरह से मल्टीप्लाई बनाएंगे तो टाइम तो जाएगा ही, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो क्या करना है, बस इस नंबर को आधा कर देना है। तो चलिए आधा कर लेते हैं, 8000 है तो इसको आधा करना होगा, तो आएगा 4, 3, 3, 2, और क्या करना है, आधा तो कर दिए, अब एक 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का ट्रिक समझ चुके हैं।
इसे आप एग्जाम में टाइम बचाते रहिए। अगला ट्रिक हम लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि 5 से किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का ट्रिक सीखने वाले हैं। यानी किसी भी संख्या को 5 से किस तरह से डिवाइड दिया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। पहले अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हो गया 400 और 420, और उसको डिवाइड करना है किसे, तो 5 से। किसे डिवाइड करना है? 5 से। तो आपको करना क्या है इसके लिए, अब इसका हाफ नहीं करना है, इसका हाफ नहीं करना है, इसको डबल करना है। क्या करना है? इसको डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते 420 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 840 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, डिवाइड देने के बाद जैसे ये संख्या तो आ गया, इसको डबल कर दिए, लेकिन इसमें क्या है, एक की संख्या के बाद आपको पॉइंट देना है। क्या देना है? पॉइंट देना है, और पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 84, यानी हम लोग 5 से डिवाइड दे दिए। चलिए एक और संख्या लेते हैं, 231, इसको डिवाइड करना किसे, 5 से। तो हम लोग क्या बोले कि इसको डबल कर दीजिए पहले, तो चलिए डबल कर देते हैं। तो 2 हो गया, 1 का डबल 2 हुआ, 3 का डबल 6 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, डबल तो कर दिए। क्या आंसर आ गया? नहीं। अभी क्या करना है, तो एक नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दिए, तो ये तो पॉइंट के बाद जीरो नहीं है, 2 है, तो इसको तो लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी संख्या को, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, या कितना भी डिजिट का हो, आप इस तरह से डिवाइड 5 से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको क्या है, उसको डबल करना है पहले, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, या अगर डायरेक्ट डबल कर सकते हैं तो कर लीजिए, और एक संख्या के बाद आपको पॉइंट देना है, यानी दशमलव बिठाना है, उसके बाद आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, किसी भी नंबर का, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने पहले एक नंबर ले लिया 24, और इसको हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि 24 को इस तरह से 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं करते हैं, पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब आंसर आता है। तो आंसर तो इसे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, तो शॉर्टकट तरीका है कि अगर 4 है तो पहले 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 को 4 से ही गुना कर दीजिए, 4 जा कितना हो गया 16, यानी 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16 हो गया। फिर इधर वाला संख्या 2 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दुना 4 कितना हो गया, 2 दुना 4, इस तरह से हो गया, हम 04 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट बनाना है, हो गया। उसके बाद क्या करना, क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। तो क्या करना होगा आगे, तो जितनी भी संख्या है सबको गुना कर दीजिए, 4 2 8, ये दोनों गुना कर रहे हैं, 4 2 8, और फिर 8 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 8 2 16, यानी 16 हो गया, 4 2 8 8 2 16। तो जब भी संख्या लिखे नीचे में तो एक संख्या छोड़ के लिखना, यानी 16 लिखना, तो यहाँ 16 नहीं लिखेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 6 और 1, 16 हो गया। एक संख्या को छोड़ना है, याद रखें हमेशा एक संख्या को छोड़ देना है इधर से। तो अब आ गया 6 का 6, और 6 और 1 7, 4 और 1 5, और आगे में 0 है, तो 0 का आगे में इधर कोई वैल्यू नहीं है, यानी 576, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे, एक और क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करके देखते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग 78 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लेते हैं 78 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, अब क्यों करें, आप तो सीख चुके हैं। क्या करना है, पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 जा कितना हो गया 64, ठीक है, यानी 64 हो गया, हो गया। चलिए अब 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो इधर लिखेंगे 7 7 जा 49, यानी 47 49, 49 2 डिजिट का था, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, तो 8 2 16, यानी 8 2 16, और 16 7 जा 112, 8 2 16 16 7 112, तो 112 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो बोले एक संख्या छोड़ना है, तो एक जगह को छोड़ देंगे, अब 112 लिखना है, तो 211 हो गया ना 112, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देना है, तो यहाँ खाली जगह छोड़ दीजिए, 4 का 4 सीधा सीधा जोड़ दें, 4 का 4 6 2 8 9 1 10 का 0 कैरी 1
415 और 1 कैरी भी था, वो हो गया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी दो डिजिट के संख्या को, दो संख्याओं के, दो अंकों के संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और समय बचा सकते हैं। ऐसे ही और ढेर सारे मैथ ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।